ट्रेड शो की अनवेलिंग होनी थी। रश्मि जी स्क्रीन पर आपके, रश्मि जी सब बंद है क्या? वो कह रहे थे आज स्कूल वूल छुट्टी जल्दी हो जाएगी, प्रेसिडेंट मुर्मू आने वाली है, सब बंद है क्या आसपास? हाँ आज सारे स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। सब पता रखता हूँ मैं आपके शहर के बारे में। रश्मि जी क्या करते हो आप ग्रेटर नोएडा में, कब से शेरवुदा से जुड़े हो, कितना समय हो गया आपको? मेरे को मतलब 3 साल हो गए इसमें ग्रेटर नोएडा, मुझे 8 साल हो गए। ये पीछे दीवार पे पेंट पेंट कर रखा है या पेंटिंग अलग से टंगी हुई है कृष्ण जी की? पेंटिंग लगी रखी है, पेंटिंग है वो। ब्यूटीफुल। 3 साल, 3 साल का सफर कैसा रहा? बेसिकली कोविड टाइम से आप जुड़े हो। बहुत अच्छा रहा। हाँ अरे वाह। अच्छा रश्मि मैम पहला सवाल कौन सा आस्था के लिए? मेरा सवाल ये है, जेएमडीसी है ना मेरा, वो मैंने बाय किया था 70 से 200 क्वांटिटी लिए थे, तो उसको मैं सोच रही थी या तो इसको मतलब जो उसका टारगेट है ना वो कंप्लीट होने ही वाला था, 326 का था शायद, तो उसकी सोच रही थी इसे अभी निकालू कि नहीं निकालू, अब मैं कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा सा। तो ये टारगेट कहाँ से आया? टारगेट आपने आप खुद ही टेक्निकल से एक तो टारगेट सेट करते हो, जिसने बताया था जीएमडीसी लेने को उसने कहा था ये लक्ष्य है, क्या रीजन था टारगेट का? के थ्रू नहीं करती, मैं खुद से ही करती हूँ। अरे वाह, आपने 200 पे लिया था, तेजी का मन था, 325 का टारगेट लेके चल रहे थे आप, बढ़िया है। 80-90 रुपए आ चुके हैं, इसको आज तो नहीं निकालना है, निकालने का सोचने का नहीं आज मेरे ख्याल से, कल इसकी एग्जिट आनी है, एग्जिट रिकॉर्डेड है शायद जीएमडीसी की, जीएमडीसी का तगड़ा डिविडेंड आने वाला है, 11.5-12 रुपए के आसपास शायद डिविडेंड है, वो आना है, तो डिविडेंड तो एंजॉय करने का है। खैर बाकी फंडामेंटली व्यू क्या बन रहा है, 80-90 रुपए हमारे ऑलरेडी ऊपर है, आस्था मन बनाया था, खुद ने स्टडी करी थी कि अच्छी तेजी बनेगी, बनी, अभी मेरे लक्ष्य थोड़े से ऊपर के हैं, 315-325 की बात करें। रश्मि जी दिख रहा है क्या आपको, आएगा क्या, होल्ड करूं क्या? बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। देखिए फंडामेंटली जो आपने बोला आशीष, तो वरना फंडामेंटली तो रिजल्ट्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं आई थी जो अभी क्वार्टर गया था, इनफैक्ट थोड़ा सा डीग्रोथ ही दिखाया था उसने लास्ट ईयर के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये स्टॉक चल रहा है सो और जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं वो भी यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करिए मैम, एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस तकरीबन जो आपकी पोजिशन पे लगाएंगे वो 255 का रहेगा, आपकी तो नीचे की खरीद है तो कोई दिक्कत लगती नहीं है, 255 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी पोजिशंस को कंटिन्यू करें, और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा तेजी लौटी तो फिर टारगेट इसमें हमें जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 310 से 320 के रहेंगे, पर ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के टारगेट्स है, मार्केट्स अभी खराब है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये गिरावट दिखाए, तो आपको समय लेना होगा और पोजिशन में बने रहना है। मैम आपके लक्ष्य आज तक भी वही दिख रहे हैं, सही पकड़ा। आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? हाँ। बहुत बढ़िया। अगला कौन सा स्टॉक चुना है आपने टारगेट के लिए खरीदने के लिए, कुछ चुना है क्या अभी?